नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम लोग कुछ टिप्स सीखेंगे जिसके अंदर हमको पावर सप्लाई के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम लोग कैसे इसको रिपेयर करें, या फिर हमारे सेकेंडरी साइड में वोल्टेज नहीं आता है तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग मॉड्यूल यूज़ करते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि मॉड्यूल किस कंडीशन में यूज़ करते हैं हम लोग, क्या क्या क्राइटेरिया होता है उसका यूज़ करने का, ताकि हमारा जो रिज़ल्ट हो वो प्रॉपर आए। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पावर सप्लाई में या फिर सेकेंडरी साइड में वोल्टेज नहीं बन रहे हैं या पावर सप्लाई में कोई शॉर्टिंग होता है तो हम क्या करते हैं कि उसका ड्राइवर निकाल देते हैं, मॉस्फेट निकाल देते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं मॉड्यूल लगाते हैं, तो मॉड्यूल जो होता है हमारा सक्सेस रिजल्ट नहीं देता, या फिर हम कन्फ्यूज रहते हैं कि ये सब निकालने के बाद भी हमारा पावर सप्लाई बन जाना चाहिए था या वोल्टेज बन जाना चाहिए था लेकिन वो वोल्टेज नहीं बनता है। तो ऐसा क्या क्राइटेरिया होता है जब हम लोग वो मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो हमको रिज़ल्ट एकदम प्रॉपर मिले। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि फ़ोन करते हैं कि सर मैंने मेरे पावर सप्लाई ब्लास्ट हो गया था या फिर जल गया था, मॉस्फेट ड्राइवर सब जल गए थे, मैंने मॉड्यूल लगाया लेकिन मेरा रिज़ल्ट जो है प्रॉपर नहीं आया, अब क्या करूँ। तो ऐसे कंडीशन में हम आपको क्या गाइड करें, लेकिन आज मैं आपको इसका पूरा का पूरा सलूशन बताऊंगा। आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है जिससे आपको ये मिले, सीखने को मिले कि ताकि आप कभी भी यूज़ करो तो आपको रिज़ल्ट जो है एकदम प्रॉपर मिले, कोई दिक्कत ना हो। मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा हूँ कि सब लोग यूज़ करते हैं, सबको मालूम है कौन सा वायर कहाँ जोड़ना है, सबको मालूम है, लेकिन कोई प्रॉपर तरीके से उसका जो है कनेक्शन नहीं कर पाते हैं या फिर उसका टेस्टिंग सही से नहीं कर पाते, जो हम कोल्ड टेस्ट में करते हैं मॉड्यूल लगाने से पहले, तो रिज़ल्ट हमको नहीं मिलता है। तो उसकी क्राइटेरिया क्या है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हम लोग कि एक पावर सप्लाई का डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद में हम कौन सा वायर कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, वो सारी चीज़ें को हम लोग एकदम डिटेल में देखेंगे ताकि कभी भी आप पावर सप्लाई रिपेयर करने में फंसो ना। और ध्यान रखिए, ये पावर सप्लाई जो मॉड्यूल आता है तो सबके लिए, अगर पीएफसी के लिए आप लेते हो तो पीएफसी के लिए अलग मॉड्यूल आता है, अगर सिर्फ आप सिंगल ट्रांसफार्मर वाले जो होते हैं, जितने पावर सप्लाई होते हैं या कॉम्बो बोर्ड वाले जितने पावर सप्लाई होते हैं उसमें सिंगल ट्रांसफार्मर लगा होता है तो सिंगल ट्रांसफार्मर के लिए अलग मॉड्यूल आता है। तीन ट्रांसफार्मर जिसमें लगा है अगर उसका स्टैंड बाई सर्किट ओके है, पीएफसी में फॉल्ट है तो पीएफसी वाला जो मॉड्यूल होता है वो अलग आता है, तो आपको उसी हिसाब से उसको आपको लगाना होता है। तो हम यहाँ पर पीएफसी की बात नहीं करने वाले हैं, सीधा ही सीधा पहले सिंगल ट्रांसफार्मर जिसमें हमारा कॉम्बो बोर्ड आता है और अलग अलग छोटे मोटे सर्किटें जो हमारे 24 इंच के कम वाले सर्किट आते हैं, 24 इंच के रहते हैं टीवी, उसके अंदर जो सिंगल ट्रांसफार्मर वाले पावर सप्लाई होते हैं वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिए, आपको ध्यान से देखना है वीडियो को, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, स्किप करोगे तो आपकी गलती रहेगी उसमें, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताने चलता हूँ, चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसको कि यहाँ पर मैंने सब सारी चीज़ें हम लोग मेंशन कर दिए हैं तो किस हिसाब से आपको चेक करना है। कोल्ड टेस्ट के अंदर, कोल्ड टेस्ट के अंदर भी अब मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको देखने की ज़रूरत है, नज़र मार लीजिए बस आप। सबसे पहले हम लोग 230 वोल्ट देंगे, 230 वोल्ट देंगे हम लोग डायोड ब्रिज के पहले। ये एसी लाइन आपको ओपन सर्किट शो करेगा, क्या सर्किट से, कौन सर्किट से करेगा, ओपन। ओपन कब शो करेगा, जब हम रेड प्रॉब और ब्लैक प्रॉब ऐसे रखेंगे या फिर उल्टा करेंगे तो भी हमको ये ओपन सर्किट ही दिखाएगा, मतलब कि इसके बीच में आपको कोई रेजिस्टेंस दिखाना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप यहाँ से ले कर इसी लाइन में चेक करोगे यहाँ तक तो आपको शॉर्ट दिखाना चाहिए, मतलब लाइन वही आप चेक कर रहे हो तो आपको यहाँ पर शॉर्ट दिखाना चाहिए, मतलब आपको बीप आनी चाहिए। लेकिन आप जब पैरेलल में चेक करोगे तो आपको कोई बीप नहीं आना चाहिए, ओपन दिखाना चाहिए। सेम दूसरी लाइन भी, क्योंकि पूरा का पूरा वोल्टेज हमको डायोड ब्रिज तक दोनों लाइन का पहुँचाना है, 230 वोल्ट हमको सीधा का सीधा डायोड ब्रिज पर आएगा। ओके, बीच में EMI फिल्टर लगा रहता है जो कि वोल्टेज AC साइकिल को फिल्टर करने के लिए, टूटी फूटी साइकिल आती है तो उसको 50 हर्ट्ज प्रॉपर बनाने के लिए EMI फिल्टर लगे रहते हैं। तो वहाँ पर आप चेक करोगे तो आपको कोई भी आपको ओम्स दिखाना चाहिए। जैसे ही डायोड ब्रिज को पार करता है, जैसे ही हमारा डायोड ब्रिज के बाहर पार करता है तो जब यहाँ तक AC था अब हो गया DC, मतलब यहाँ तक क्या था हमारा AC था अब हो गया हमारा DC, ठीक है, क्या हो गया DC।
तो जैसे ही कैपेसिटर हमने डाल दिया, अब वोल्टेज हो गया डीसी। तो जब डीसी हो गया तो हम जब मल्टीमीटर का प्रॉप अब कैपेसिटर के प्लस के ऊपर और माइनस के ऊपर रखेंगे तो किस हिसाब से हमको रेजिस्टेंस शो करेगा, यहाँ पर मैंने आपको लिख के बताया है। तो चलिए ध्यान से एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हूँ मैं यहाँ पर। देखिए तो रेड प्रॉप जब हम प्लस की लाइन पर रखेंगे, रेड प्रॉप जब हम प्लस के लाइन पर रखेंगे और ब्लैक प्रॉप माइनस के लाइन पर रखेंगे तो हमको ये क्या शो करेगा, ओपन सर्किट। मतलब हमें यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस दिखाना नहीं चाहिए। उसी हिसाब से आपको जब ब्लैक प्रॉप आप रखोगे 300 वोल्ट की लाइन पे और रेड रखो ग्राउंड पे, आपको 450 ओम्स दिखाना चाहिए। कितना? 450। ये सिम्बॉल मैं इसलिए लगाया हूँ ताकि ये आपको 450 से ज़्यादा शो करना चाहिए। एज ए ओपन सर्किट ही शो करेगा, लेकिन आपको 450 से ज़्यादा ही शो करेगा। ठीक है, ओके, ध्यान रखिए। सेम अभी यही लाइन यहाँ पर आया है तो सेम कंडीशन आपको इस पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट पे भी है, क्योंकि ये पॉइंट हम मॉड्यूल के लिए अभी यूज़ करेंगे, ध्यान रखना, ओके। उसके बाद में जहाँ पर हमारा रिसेटिंग कॉइल लगता है, रिसेटिंग कॉइल, उसके बाद में डायोड के बाद में कैपेसिटर लगता है। जब पावर सप्लाई में छोटा सा कैपेसिटर होता है, वैसे यहाँ पर रेड प्रॉब जब हम प्लस की लाइन पर रखेंगे और ब्लैक प्रॉब माइनस की लाइन पर रखेंगे तो हमको शो करेगा ओपन, और उल्टा उसका बैक ब्लैक वाला आपको प्लस पे रखना है और रेड वाला आपको माइनस पे रखोगे तो आपको 450 ओम से शो करेगा। ठीक है, तो 450 ओम ब्लैक और रेड रखने पे शो कर रहा है तो उसका उससे ज़्यादा ही शो करना चाहिए रिवर्स में। कभी भी ध्यान रखना, उससे ज़्यादा ही शो करना चाहिए रिवर्स में या आपको ओपन सर्किट एज ए बिहेव करेगा वो। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे ही हम फीडबैक लाइन पे आते हैं ऑप्टो कपलर वाले। तो ऑप्टो कपलर के दो पॉइंट होते हैं, ठीक है, दो पॉइंट पे होते हैं। तो यहाँ पर ओपन सर्किट आपको बिल्कुल सेम, रेड वाला आपको रखना है प्लस के लाइन पे और ब्लैक वाला आपको रखना है माइनस के लाइन पे, तो आपको ओपन सर्किट शो करेगा। और उसका उल्टा रखोगे, ब्लैक वाला रखोगे इस लाइन पे, मतलब कि जो उसका फीडबैक लाइन है, और रेड वाला रखोगे ग्राउंड पे, तो आपको 450 ओम्स के आसपास शो करना चाहिए। ठीक है, 450 ओम्स के आसपास शो करना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये कंडीशन होता है आपको मॉड्यूल लगाने का। अगर इतना दिखाएगा तो आप मॉड्यूल लगा सकते हैं। वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पर बनेगा कोल्ड टेस्ट में। आपको सेकेंडरी साइड में आपको कैसा चेक करना है देख लीजिए। आपको रेड प्रॉब रखना है सप्लाई के लाइन पे। रेड प्रॉब कहाँ रखना है आपको? तो रेड प्रॉब आपको रखना है सप्लाई लाइन पे, ब्लैक प्रॉब आपको रखना है ग्राउंड पे, तो आपको ये ओपन सर्किट शो करेगा। और उल्टा रखोगे ब्लैक और रेड रखोगे तो आपको 250 ओम से लेके 450 ओम तक शो करेगा। अगर आपको रिवर्स में इतना ओपन नहीं शो कर रहा है तो, लेकिन आपको 250 या जो भी शो वैल्यू कर रहा था रिवर्स में, मतलब कि ब्लैक और रेड रखने पर, उसके ज़्यादा ही शो करना चाहिए आपको उल्टा करने पर। सेम कंडीशन यहाँ पर भी बनता है। ठीक है, ऐसे आपको चेक कर लेना है। ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई करेगा तो आप मॉड्यूल लगाओगे तो आपको रिजल्ट प्रॉपर मिलेगा, अदरवाइज आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा कभी भी, याद रखना। अब हम मॉड्यूल लगाते कैसे हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले तीन वायर वाला मॉड्यूल आता है। कितने वायर वाला? तीन वायर वाला, जिसके अंदर आप देख सकते हो तीन वायर मॉड्यूल। एक होता है रेड, ब्लैक और ग्रीन। ठीक है, एक दूसरा आता है पांच वायर वाला, एक दो तीन चार पाँच। इसके अंदर होता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर वाले में कैसा होता है? रेड, उसके बाद में ब्लैक, येलो, ब्लू और एक ग्रीन। ठीक है, क्या? ग्रीन, ओके, ये होता है। अब इसके अंदर कैसा सिस्टम है कि आपको रेड और ब्लैक कहाँ लगाना है? रेड आपको लगाना है यहाँ पर। कहाँ पर? रेड वायर यहाँ ले लेता हूँ रेड। ब्लैक लगाना है आपको ग्राउंड पे। देखो ग्राउंड इसका कहाँ है, अब यहाँ पर लगा दो, जी एन डी ग्राउंड पे लगाना है। ठीक है, समझ आ रहा है?
रेड ब्लैक बाकी दो वायर येल्लो वाला आपको डायोड के सेकेंडरी साइड में डायोड उसके पहले लगाना है येल्लो और ग्राउंड पे लगाना है तुमको ब्लू। ओके येल्लो लगाना है आपको जो कि सप्लाई होता है उस पर और ब्लू लगाना है आपको जो ग्राउंड से कनेक्टेड होता है इसका। ओके इसमें भी पांच वायर में आता है सेम कंडीशन यहाँ पर और ग्रीन वाला बचा है ग्रीन वाला आपको फीडबैक पर लगाना है। कहाँ पर लगाना है फीडबैक पे यहाँ पर आपको लगेगा ग्रीन ये कंडीशन है इसका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या काम है पांच वायर वाला एक आता है एसटीआर वाला मॉडल इसके अंदर सेकेंडरी साइड में भी वायर जा रहे हैं ठीक है जो ट्रांजिस्टर वाला है लेकिन एसटीआर वाले में सब प्राइमरी में लगता है सेकेंडरी में कोई वायर नहीं जाता है। ओके तो इसके अंदर कौन कौन से वायर होता है रेड ग्रीन वाइट और कौन सा होता है येल्लो और ब्लैक येल्लो ब्लैक ठीक है पांच वायर हो गया। तो इसके अंदर कैसे लगेंगे सबसे पहले ग्रीन को निकालो और ब्लैक को निकालो। ग्रीन और ब्लैक को निकालने के बाद ग्रीन वाला प्लस वाला लाइन पे दे दो और ब्लैक वाला आपको जहाँ ग्राउंड है वही ठीक है याद रखना। उसके बाद में येल्लो वाला वायर आपको निकालना है येल्लो वाला वायर आपको यहाँ लगेगा मॉस्फेट के ड्रेन के ऊपर येल्लो वाला वायर आपको मॉस्फेट के ड्रेन के ऊपर लगेगा। उसके बाद में आपको ब्लैक वाला वायर आपको ग्राउंड हो गया बचा वाइट वाला वायर वाइट वाला आपको आपको कपलर के पिन नंबर चार पर लगेगा। किस पे पिन नंबर चार पे अगर पिन नंबर तीन ग्राउंड है तो ग्राउंड हो मतलब आपको ग्राउंड करने की ज़रूरत नहीं है अगर ग्राउंड नहीं है तो उसको ग्राउंड करो मस्ट भी ग्राउंड करना है आपको ग्राउंड करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा इतना बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है। तो इस तरह से हम मॉड्यूल लगाते हैं। टर्म और कंडीशन क्या है कोल्ड टेस्ट में हम कैसे उसको लगाते हैं मतलब चेक कैसे करते हैं आपको रजिस्टेंस सबको लिख लेना है उस हिसाब से आपको लगाना है तभी आपको रिजल्ट प्रॉपर आएगा अदरवाइज आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा। आप कितना ही मॉड्यूल लगाओगे कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा ठीक है। जब भी आपको ये मॉस्फेट शॉर्ट दिखा तो आपको ड्राइवर आईसी ऑप्टो कपलर दोनों को रिप्लेस कर देना है ड्राइवर आईसी ऑप्टो कपलर दोनों को आँख मून के रिप्लेस कर देना है ठीक है। साथ में इसको तो रिप्लेस करना ही है अगर आपको मॉड्यूल लगाना है समझ लो आपके पास ना ड्राइवर है ड्राइवर आईसी है भी नहीं मॉस्फेट भी नहीं है तो हम क्या करेंगे तो यहाँ पर मॉड्यूल लगा देंगे। मॉड्यूल लगाने से पहले हम क्या करेंगे ड्राइवर आईसी को रिमूव कर देंगे ऑप्टो कपलर को नया डाल देंगे अगर आपको चेक करेगा सही है तो ठीक है नहीं तो आप अगर कुछ ओम्स में गड़बड़ी दिख रही है आपको सीधा नया डाल दो नया नहीं है तो किसी भी सर्किट में से निकाल के आप डाल सकते हो ऑप्टो कपलर का कोई भी सर्किट आपके पास रहेगा छोटा मोटा कोई भी सर्किट रहेगा सबका ऑप्टो कपलर नियर बोर्ड सेम आता है तो आप निकाल के आराम से डाल दो आपका काम हो जाएगा। अब ये मत पूछो किस में से सर चलेगा नहीं नंबर सेम नहीं वो सब नंबर देखने की जरूरत नहीं आपको सीधा ही निकालो और डाल दो ठीक है। ऐसे ही अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे हम सबका इक्विवेलेंट देखने वाले हैं कि अगर ये मॉस्फेट नहीं है अपने पास तो इसके इक्विवेलेंट में कौन सा डाल सकते हैं ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट डालना मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा और उसके ऊपर वीडियो भी बना के आपको दे दूंगा।